पहने थे तो मजा आ रहा था, लग रहा था कि हाँ सच्चों में आईपीएस बन गए हैं। उतना खास नहीं लगा, जब पकड़ा गए तो खत्म गया। पकड़ा गए तो कहानी खत्म हो गया। तो 2 लाख रुपया लाए कहाँ से आप? मामा से मांग के लाए। मामा से मांगे? आपके मामा है अभी यहाँ पे? नहीं, बाहर से लाए। तो मामा से क्या बोले आप? मामा बोले कि मम्मी की तबीयत खराब है। किसका तबीयत खराब है? मम्मी का। अरे भाई साहब, नया नया बात बता रहे हैं आप, ये सब नहीं बताए थे? ये सब बात बताए। अच्छा, ये सब बात बताए। घर में कहे लुकाए थे, छिपे क्यों थे घर में? नहीं, हम नहीं छिपे घर में। छाती उतार के खड़े है ना? एक बार ऐसे देखिए तो कैमरा में। अरे एकदम ऐसे जरा पुलिस वाले अंदाज में बोलिए तो कुछ। अरे बोलिए ना, ऐसे सैल्यूट करिए तो। नहीं। अरे भाई कुछ तो कर दीजिए। नहीं नहीं, कुछ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका मेरा हक नहीं है। अच्छा, जय हिंद जय भारत बोलिए। जय हिंद जय भारत। तो अभी आपको लाज उज लग रहा है कि नहीं, शर्म लग रहा है कि हम गलत? नहीं, गलत अगर गलत करते तो शर्म लगता, गलत नहीं किंतु क्या शर्म से? शर्म भी नहीं लग रहा है अगर गलत करेंगे तो ना सर? हमको बदनाम कर लेना, पहले नाम तो होने दो। हमारे साथ बिहार का वो लड़का है जिसने आईपीएस की वर्दी खरीद के आईपीएस की औकात दिखा दी। हाँ, मतलब इसी तरह का बात कह के सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, फेसबुक पे पोस्ट किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे लिखा जा रहा है कि बिहार में तो 2 लाख में वर्दी ही बिक जाता है। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। क्या नाम क्या है आपका? मिथिलेश कुमार। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे? हाँ, यही। कौन जगह है? गोवर्धन। ये आपका घर है? हाँ, वो वाला। हाँ, कौन कौन रहता है घर में? हाँ, मम्मी पापा और मेरा बहन। पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में है? 10वीं है। अभी 10वीं में है? हाँ। ब्याहो हो गया है? हाँ। ये गलत बात है। नहीं नहीं, घर में अगर कोई काम करने वाला नहीं तो ब्याह तो करना पड़ेगा ना सर? अच्छा, तो मजबूरी में ब्याह? हाँ। तो 10वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं तो ये आपको पता था कि हाँ 10वीं क्लास में आदमी आईपीएस भी बन सकता है, ये जानते थे आप? क्यों? अच्छा, हुआ क्या था, मैंने कैसे वर्दी अचानक मिली? जैसे हम गए थे कहीं नहाने के लिए गिदेसर झरना। हाँ, वहाँ झरना है, वहीं पर गए थे नहाने के लिए, वहीं पर वो मिला था। कौन मिला था? मनोज सिंह। तो वो क्या बोला? वो बोला कि जैसे कि अभी वो बोला था कि अभी क्या चीज काम कर रहे हैं, हम बोले कुछ नहीं कर, बोला पढ़ाई। अचानक आके पूछा कि क्या चीज काम कर रहे हैं? जैसे हम नहा रहे थे, नहा हाँ। के जब निकल रहे उतर हाँ। नीचे उतर रहे थे हाँ। तो पहले वो हमको देखा, फिर वो हमको देखा तो बोला कहाँ से भाई? तो हम बोले यहाँ का मैंने हलसी का है, हलसी थाना, घर कहाँ? गोवर्धन मिला। तो बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने और जैसे उसके पास खाने वाला चीज था हाँ। तो वही सब मैंने खा पी लिए और उसके बाद बाइक यहाँ से निकले और वो सब बाइक स्टार्ट किए, वो भी स्टार्ट किया। मेरे पास भी बाइक था, उसका भी बाइक था हाँ। दोनों निकले। तो आप नहीं ना बताए कि हमको आईपीएस बनने का मन करता है? वो खुद बोला? हाँ, खुद बोला। क्या बोला क्या आपसे? जैसे वो बोला था क्या, जैसे अभी जा रहे थे जो हाँ चौक उक होता है वहाँ पे चाव पिए, ठीक है, चाव पी के उसके बाद नंबर उम्बर ले लिया था मेरा। हाँ, नंबर उम्बर ले लिया। उसके बाद रात को कॉल किया था हमको। रात में कितना बजे कॉल किया? रात को किया था सर करीब 10 बजे। अच्छा, क्या बोला कॉल करके? कॉल करके बोला क्या जैसे एक आदमी डेट हो गया है, उसका जगह तुमको हम नौकरी दिलवा देंगे बस। देखिए, नया बात बता रहे हैं, इनसे वो कॉल करके बोला कि ये वो आदमी डेट कर गया है। हाँ सर, आईपीएस डेट कर गया है। नहीं, उसे बोल के नहीं बोला। हाँ, बोला डेट हो गया तो उसके जगह पे हम आपको नौकरी दिला देंगे। हाँ। अच्छा, उसके लिए वो क्या बोला? उसके बाद बोला क्या 2 लाख रुपए लेकर। तो 2 लाख रुपया लाए कहाँ से आप? मामा से मांग के लाए। मामा से मांगे? आपके हाँ। मामा है अभी यहाँ पे? नहीं, बाहर चला गया। तो मामा से क्या बोले आप? मामा बोले कि मम्मी की तबीयत खराब है। किसका तबीयत खराब है? मम्मी का। अरे भाई साहब, नया नया बात बता रहे हैं आप, ये सब नहीं बताए थे? ये सब बात बताए। अच्छा, ये सब बात बताए थे? हाँ बताए थे। इनको जब बोला गया कि हम आपको आईपीएस का वर्दी पहना देंगे, 2 लाख रुपया लगेगा, तो ये मामा के पास कॉल किए कि हमारी मम्मी का तबीयत खराब है। हाँ। तो 2 लाख रुपया भेज दिए? नहीं, कैश दिए थे। कैश दिए 2 लाख? हाँ, मामा यही था उसने। बाप रे बाप। तो मामा क्या करते हैं 2 लाख रुपया? मामा लेबर को चढ़ा था, ठेकेदार। अच्छा, ठेकेदार है। हाँ। तो मामा 2 लाख रुपया पटाक दे दिया। हाँ। अब बताइए, अपनी बहन के इलाज के लिए मामा जी तुरंत 2 लाख रुपया दे दिए, आप 2 लाख रुपया उसको दे दिए, आप बदले में आपको वर्दी पहना दिया। पहना के क्या बोला? उसके बाद बोला कि तुम चले जाओ घर। हाँ। हम घर चले आए। उसके बाद फिर गांव में वर्दी पहन के आए थे? हाँ आए। तो ये सब लोग देखा था? हम ये सब बोले ये सब देखा था वर्दी पहन के आए थे गांव में? तो हम ये सब उतना नहीं देखे सर। हाँ। जैसे हम अपना धुन में थे। हाँ। ये सब के धुन में उतना नहीं थे? ये सब के धुन में नहीं थे, हम अपना धुन में थे। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो ये सब कोई नहीं देखा वर्दी पहना हुआ? देखा हुआ मुरहम इसको सबको नहीं देखे। अच्छा, वर्दी एकदम ऐसे टाइट वाइट? हम खाली थे। हाँ। हम निकल गए यहाँ से। अच्छा, तो निकल गए तो पुलिस कब पकड़ लिया? गए थे सिंद्रा चौक, वहीं पर हाथ मारा, रोक दिए। पुलिस रोका आपको? हाँ, हाथ मारा था हमको। अच्छा, हाथ मारा, हम साइड में रोके। उसके बाद पूछताछ करने लगा वहाँ पर।
उसके बाद बोला, क्या पूछताछ किया पुलिस? यही पूछा कि तुम्हारा उम्र भी नहीं, हाइट भी नहीं, छाती भी नहीं है। और तो इसी चीज से पुलिस पकड़ लिया कि न उम्र है, न छाती है, न हाइट है, तीन स्टार वाला IPS बना कैसे? फिर कार्ड भी मांगा हुआ। हाँ, तो कार्ड दिया? नहीं बोले। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? थाना में ले गया? हाँ, थाना ले चला गया। तो थाना में बंद किया था अंदर? हाँ। तो छोड़ कहाँ दिया? फिर छोड़ दिया क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं उसमें था, इसीलिए छोड़ दिया। तो पहने थे तो मजा आ रहा था, लग रहा था कि हाँ सच्चों में IPS बन गए हैं। उतना खास नहीं लगा, जब पकड़ा गए तो खत्म पकड़ा गए तो कहानी खत्म हो गया। ज्यादा देर तक मजा नहीं ले पाए। तो IPS डंडा लेके ठेला वाला कहीं मारेगी नहीं किया भाई? नहीं, 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 नहीं। ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, कोई मैंने टच खाली पकड़ के ले गया आराम से। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने IPS जो है इतना आराम से आदमी नहीं बन पाता है? हमको पता नहीं था बात पहले नंबर, हमको पता भी नहीं था, हम उसके जहाज से आ गए फंस गए। अच्छा, और ई भी आपको नहीं बताया था कि कौन से थाना में बैठना है, क्या करना है, कुछ नहीं बताया था? बस वर्दी पहना के भेज दिया और आप पहन के आ गए? अच्छा, फिर जब बाद में सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, पुलिस पकड़ लिया, सब आपको देख लिया, फिर जब गांव में आए तो आपको देखने के लिए भीड़ लगा? भीड़ तो नहीं लगा। भीड़ नहीं लगा? नहीं, नहीं लगा। मतलब अच्छा, ये तो इस सब लोग आपको ऐसे बुला बुला पूछ रहा था कि तू का कैला? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पूछ रहा था। तो कभी से घर में कहे लुकाए थे? कैसे बोले? घर में कहे लुकाए थे? छिपे क्यों थे घर में? नहीं, हम नहीं छिपे घर में। छाती उतार के खड़े है ना, एक बार ऐसे देखिए तो कैमरा में। और एकदम ऐसे जरा पुलिस वाले अंदाज में बोलिए तो कुछ। अरे बोलिए ना, ऐसे सैल्यूट करिए तो। नहीं। अरे भाई कुछ तो कर दीजिए। नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं, कुछ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका मेरा हक नहीं है। अच्छा, जय हिंद जय भारत बोलिए। जय हिंद जय भारत हो गया? नहीं, अभी हुआ कहाँ है? नहीं, एकदम मत जाइए, हमको ये बताइए, मजा आया IPS वाला वर्दी पहन गए? तो 2 लाख रुपया दिया कि नहीं? नहीं दिया अभी, अभी तक नहीं दिया है? अभी पकड़ाया नहीं। पुलिस से निवेदन करिए 2 लाख रुपया आपका दिलवाए, वो पकड़ाया भी नहीं है अभी तक? अभी नहीं पकड़ा। बताइए, ये स्कैम नहीं है, ये अब मजाक के लिए वीडियो बना दिए, मजाक में लोग हंस ले अलग बात है, सोचने वाली बात है कि एक आदमी ठगी करके 2 लाख रुपया इनसे ले लेता है और अभी तक से वो आदमी गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। नहीं। फोटो वोटो है कुछ उसका? नहीं, उसका नंबर उमड़ था। तो नंबर था तो नंबर पुलिस को दिए हैं? दे दिए, वो खोज कर रहा है। तो अभी पुलिस खोज कर रही है, अभी तक से मनोज सिंह को नहीं पकड़ पाई है। मनोज सिंह नाम था ना? हाँ, अच्छा, और इसके साथ साथ आप जो है 2 लाख रुपया भी? हाँ, दे दिए। देखिए, इन्होंने वर्दी के साथ लोगों के साथ कोई स्कैम नहीं किया नहीं, है सर, नहीं। ये अबोध हैं, थोड़ा सा कम समझते हैं, 10वीं क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10वीं क्लास में पढ़ाई करने वाला बच्चा एकदम बच्चा होता है, तो अभी बच्चे हैं। उम्र कितना है आपका? अभी मेरा सर 17-18 होगा शायद, 18-18 आपका? हाँ, अच्छा, 14-15 इनका उम्र। हाँ, मतलब आधार कार्ड में सर बेसिक रहे? आधार कार्ड में कितना है उम्र? वो 18 है उसमें, आधार कार्ड के हिसाब से 18 है। मुझे से तो मेरा कम होगा, ऐसे तो मेरा कम होगा, पर पढ़ते 10वीं क्लास में ही है। 18 जाते जाते आदमी अलग बात है कि BA तक पहुंच जाता है, लेकिन ये 10वीं क्लास में ही है। और इनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से अबोध हैं, थोड़ा कम समझे इन्होंने, तो इन्होंने कहा, इनको पैसा मिला, स्कैम इनके साथ हुआ है, तो इन पर हंसने की ज़रूरत नहीं है, इनको इनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम भी नहीं किया। नहीं ना? नहीं सर, ना कोई काम। तो अभी आपको लाज उज लग रहा है कि नहीं, शर्म लग रहा है कि हम गलत नहीं है? गलत, अगर गलत करते तो शर्म लगता, गलत नहीं किया क्या शर्म से? शर्म भी नहीं लग रहा है? अगर गलत करेंगे तब ना सर। तो वर्दी पहन लिया तो गलत नहीं लग रहा है? गलत जैसे हम कुछ अगर पहन के अगर कुछ गलत कर, वर्दी अगर खरीदने का कोशिश किया तो गलत बात है ना? हाँ, वो बात सही गलत है, वो बात गलत है ना? हाँ, तो उस पर आपको अफसोस नहीं है कि हम गलत काम करने जा रहे थे? तो जैसे वो हमको पहनाया था, अगर कुछ अगर ठगी करते ना तब गलत काम हो सकता। अच्छा, ठगी करते तब गलत होता? हाँ। ऐसे गलत नहीं था? ऐसे नहीं सर। तो आपके जैसे IPS बनने का यहाँ किसका किसका मन करता है? वही से ना जानेगा सर, कह रहे हैं वही सब जानेगा। मन करता है किसी का? ए हल्ला मत करिए, हल्ला कर भाई। मन करता है किसी का यहाँ आपके जैसे IPS बनने का? अब पता नहीं सर, वो मत बनिएगा लोग इनके जैसे IPS, पढ़ लिख के बढ़िया से IPS बनिएगा, ठीक है? अगर बनना होगा पढ़ लिख के बनिए, बढ़िया से इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, अरे आइए ना, अरे आइए ना। भैया कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि अब की बार जो है IPS का वर्दी खरीदा था, अगली बार में सीधे मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार का मुखौटा पहन के सीधे विधानसभा के बाहर घूमेगा जी। IPS बन के क्या फायदा? एगो कहावत सुने, तू 20 हम ब्रह्म 20, वही वाला हाल है, तू 20 बड़ा हम ओकरों से 20 बनी। खैर देखिए, यहाँ का माहौल जो है, इस गांव में एक अलग रौनक लौट आई है, यहाँ भीड़ लग रही है, मेला लग रहा है,
और इनका दीदार करने के लिए लोग आ रहे हैं। हम भी सोचे कि भाई साहब से मिलेंगे जरूर, मतलब भाई करने के लिए करेजा भी चाहिए और थोड़ा सा आपको अबोध भी होना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। बाकी सब ठीक है? परिवार में कोई दिक्कत है? घर में कोई डांटा पीटा मारा नहीं? बीवी क्या बोली? नहीं सब डांटा। बीवी डांटी? क्या बोली बीवी? सर नहीं पता है उतना। अरे कुछ तो बोली होगी। बोला गलत काम कर दिया, ऐसे बोला। गलत काम कर लिया, नहीं करना चाहिए था। तो देखिए मांझी परिवार है ना। क्या नाम है आपका पूरा? मिथिलेश कुमार मांझी। मिथिलेश कुमार मांझी इनका नाम है, और गलती से इनसे मिस्टेक हो गया, तो इस बात के लिए अफसोस है आपको? अफसोस। ठीक है, बाकी सब राइफल वाइफल सब ले लिया? हाँ सर। असली था कि नकली? नहीं पता सर। ये भी नहीं पता है? नहीं पता। तो राइफल असली नकली ये भी नहीं पता है? नहीं पता मगर हाँ वीडियो हम देखे तो उसमें बता रहा नकली। अच्छा उसमें बता रहा नकली है। हाँ। तो असली होता तो मजा आता? नहीं सर, और फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं। थोड़ा बहुत समझदार हो गए हैं ये, कि असली होता तो और समझ फंस जाते, नकली था इसलिए हम बच गए। ठीक है भाई, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मतलब सोशल मीडिया पे गजब छाया है, पता है आपको? पता है? नहीं। पूरा हिंदुस्तान में एकदम गजब बवाल मचा है आपका। ए देखिए हंस रहा है लोग। सही? अच्छा गलत कह रहे हैं आप लोग, नहीं देखे हैं? देखे हैं ना, गजब बवाल नहीं मचा है पूरा न्यूज चैनल में? इनका न्यूज चल रहा है कि नहीं? तो मचा है बवाल, पर ठीक है कोई बात नहीं। खाई नहीं खाते हैं क्या? नहीं सर, अंगड़ी पुटका रहे। ठीक है, ठीक है भाई, खत्म करते हैं इस वीडियो को। ये बनाने का बस इतना मकसद था कि आप ये समझे इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है, इनके साथ स्कैम हुआ है। और एक आदमी के साथ गलती हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में वर्दी बिकता है आप 2 लाख में IPS बन जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया दे के भी IPS नहीं बन पाइएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो फालतू का न्यूज़ लोग मत बनाइए, इनकी स्थिति समझिए और इनकी मना स्थिति समझिए, तब आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।